Assalamu alaikum student, hope so you all are fine. Today we are going to discuss the chapter number 2 numerical problem 2.6 of physics class 9. We have a numerical: a train starts from rest with an acceleration of 0.5 ms - 2. Find speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल होता है. न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन डाटा क्या है, जो चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल में मौजूद है. इस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं. तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ गिवन डाटा. सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है. इट्स मीन ट्रेन ने स्टार्ट लिया रेस्ट से, तो हम गिवन डाटा में लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी आई से. इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, इट्स मीन हमारे पास 0 m/s. वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है. विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 ms - 2, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है 0.5 ms - 2. एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया है, 0.5 ms - 2. फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमने ये फाइंड करना है हमारे पास थर्ड चीज़ क्या गिवन में मौजूद है, व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर. तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू एस 100 मीटर. हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड में ट्रेन रेस्ट पे थी तो मैंने ज़ीरो पुट कर दिया. हमने फाइंड करना है फाइनल स्पीड, किस में, किलोमीटर पर आवर में, कि एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो की स्पीड से रेस्ट से स्टार्ट लिया, एक्सेलरेशन 0.5 ms - 2 थी, डिस्टेंस 100 मीटर था. तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. टू फाइंड हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी एफ से क्वेश्चन मार के. हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन. तो जब भी हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. सेकेंड हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. थर्ड हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें से पुट करनी है. तो हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है. सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी, वी एफ हमारे पास है नहीं, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब हमारे पास चार चीज़ें मौजूद नहीं है, मतलब तीन चीज़ें मौजूद हैं, चौथी हमने फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं. अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में टाइम भी नहीं है, वी आई तो है, एक्सेलरेशन भी है. अब ये दो चीज़ें नहीं हैं, हम ये फार्मूला पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना वी एफ है ना हमारे पास टाइम टी है. ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारे पास टाइम टी भी होता, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते. ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास अप्लाई होगी आया कि नहीं होगी, तो देखते हैं. हमारे पास डिस्टेंस है, यस, लेकिन ये इसलिए अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ ही नहीं है जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती है या नहीं होती, चेक करते हैं. टू एज इट इज़ आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है, यस. डिस्टेंस हमने क्या है हमारे पास, यस. वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क. वी आई हमारे पास है, यस. इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन भी है. हमने इजीली
फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। एस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज, 2 एज इट इज आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 0.5, एस हमारे पास क्या है 100, ये मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू है 0, ये वी आई था इसका मैंने स्क्वायर ले लिया 0 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब मैंने कैलकुलेटर की मदद से जब मैंने ये फाइंड आउट किया है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 100। यहाँ पे मेरे पास वी एफ स्क्वायर 0 की जगह 0 आ गया। अब मैंने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी एफ का स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट लिख लें, ये अंडर रूट ऑन बोथ साइड मैंने जब लिया है तो हमारे पास, जब मैंने अंडर रूट लिया है तो वी एफ स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास अंडर रूट आ गया, ये स्क्वेयर इससे कट आउट हुआ। जब मैंने कैलकुलेटर से अंडर रूट 100 लिया तो मेरे पास आ गया वी एफ इज इक्वल टू 100 एम एस माइनस 1, इसका यूनिट है वेलोसिटी का। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो आ गई है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, लेकिन मेन चीज़ ये कह रहा था फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इट्स मीन एम एस माइनस 1 को मैंने किस फॉर्म में आंसर लाना है, किलोमीटर पर आवर में। तो अब मैं एम एस माइनस 1 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा, 0 100, एम एस माइनस 1 था मैं नीचे ले गया, सेकंड को नीचे ले गया, जब भी पावर ऊपर नेगेटिव हो, जब भी पावर यहाँ से मैं जब डिवाइड में लेके आया या यहाँ से मैं ऊपर लेके जाऊंगा, साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे एस माइनस 1 था, जब मैं नीचे आया तो हमारे पास एस 1, पुट करो या ना करो एक ही बात है। अब मैंने किलोमीटर पर आवर में आंसर लाना है, तो मैंने बताया जब भी मीटर से किलोमीटर में जाओ, जब भी छोटे यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करते हैं, जब बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो 100 मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एस था। अब सेकंड से मैंने किस में जाना है, आवर में जाना है, जब भी सेकंड छोटा यूनिट है, आवर बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओ तो हमें पता है आवर से सेकंड में कैसे जाते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, इट्स मीन 60 × 60, तो हमारे पास आ जाता है 3600 सेकंड। आवर से सेकंड में जाओ तो 3600 सेकंड आता है, इट्स मीन यहाँ पे सेकंड से आवर में जा रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 1/60 × 60। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, इट्स मीन जब भी मैं सेकंड से आवर में जाऊँगा तो क्या किया है, छोटे यूनिट से बिगर यूनिट में गया हूँ, तो यहाँ पे एच लिख दूंगा, मीन्स आवर छोटे यूनिट से बिगर यूनिट में गया हूँ, तो 1/60 × 60 मीन्स के सेकेंड से आवर में गया हूँ, एक मिनट में कितने, एक घंटे में 60 मिनट हैं और एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड हैं, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया, इट्स मीन 100/1000 × 3600 आवर। अब यहाँ पे ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इस 1000 के ये डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ जाएगा, तो 100 × 3600 आवर × 1000, जब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक सो, ये हमारे पास, मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ, ये मेरे पास आंसर आ जाता है 3600 × 100, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये, मैं 100 पुट कर रहा था, यहाँ पे 10 था, सॉरी, ये जब 100 का मैंने अंडर रूट लिया 10 आया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, जब ये मैंने इससे 2 इससे कैंसिल आउट हुआ, एक इससे हुआ, तो मेरे पास आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, सबसे पहले हमने इस न्यूमेरिकल में क्या किया है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 0.5 था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था 100 मीटर, हमने फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर
To find final velocity Vf, third equation of motion apply हुई है, हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया, अब हमने किलोमीटर पर आवर में आंसर लाना था, तो मैंने एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, s माइनस 1 था, नीचे लेके गया हूँ, सेकंड से आवर में गया, जब भी छोटे यूनिट से बिगर यूनिट में जो क्या होता है डिवाइड, तो मैंने 1/60 × 60 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास 3600 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, ये ऑलरेडी डिवाइड में था, मैंने ऊपर लेके गया हूँ 10 × 3600/1000, तो 36 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आपको होप्स हो ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।